हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लिंग में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक सर्कल का नया प्रॉब्लम लेकर हाजिर हैं और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप लोग भी फंसते होइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, इसमें दिया क्या है, एक ट्रायंगल दिया है मुझे और उसके अंदर एक सर्कल है, मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है जिसमें बी डी इक्वल्स 6 सेंटीमीटर और डी सी इक्वल्स 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें बोल क्या रखा है, तो ए बी इक्वल्स व्हाट, बी सी इक्वल्स व्हाट, सॉरी बी सी तो गिवन है, तो ए सी इक्वल्स व्हाट। तो मुझे निकालना क्या है, ए बी और ए सी का वैल्यू निकालना है। वो निकलेगा कैसे ये जानना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये तो पता है हमें कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होता है सर्कल पे, वो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो इसे एक्स मेजर कर लिए, ये भी एक्स हो गया। इसे अगर सिक्स है, ये सिक्स सेंटीमीटर, ये भी सिक्स हो जाएगा, एट है तो एट सेंटीमीटर हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी एफ, उसका वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। सेकेंड है मेरा ए सी, ए सी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस सी ई, तो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है। और बी सी इक्वल्स क्या है, बी डी प्लस डी सी, इसका वैल्यू है 6 प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल्स 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हम लोग को पता है जब किसी ट्रायंगल का तीन साइड गिवन हो तो क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। किस फॉर्मूला से, तो हीरोन फॉर्मूला से उसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला में क्या होता है, पेरीमीटर निकालता होता है, मीन्स एस इक्वल्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बाय 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी क्या है, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 14 बाई 2 सेंटीमीटर। एस इक्वल्स 2x प्लस 28 बाई 2 सेंटीमीटर। एस इक्वल्स क्या आ गया, एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। यहां तक मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब एस निकल लिया तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको पुट करते हैं वैल्यू को, एस क्या है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ये कितना आ रहा है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 फिर एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना आ रहा, 14 फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 अब क्या होगा, एक्स प्लस 14 ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 नेक्स्ट एक्स प्लस 14 माइनस 14 फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 तो देखिए ये कट गया और इसमें 14 फिर इसमें x कट गया। अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं, तो क्या बच गया, x प्लस 14 इंटू 8 इन
इंटू एक्स इंटू सिक्स, और ये क्या हो जाता है एक्स प्लस फोर्टीन इंटू एट सिक्स है 48, तो 48 एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना होगा, ये निकलने के बाद हमें फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। इधर कलर मिटा लूं, इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बीच में पॉइंट ओ है, यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, फिर एक यहां से इसको मिलाएंगे, फिर एक ऊपर से मिलाएंगे। ओके, इसमें आर इक्वल्स क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो एक मेरा एरिया क्या आया था, रूट ओवर एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। अब फिर से इसका एरिया निकाल लेंगे। अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ओके, ये जो एरिया हम निकालिए अभी एबीसी का, वो इन सबके इक्वल होना चाहिए। तो एरिया इतना है ना, कितना है, रूट ओवर एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी। तो इसमें क्या हुआ, हाइट है मेरा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो इसका हाइट दिया होगा, तो पहले 1/2 इंटू बेस कितना है बीसी, बीसी इक्वल्स 14 इंटू हाइट है 4 क्योंकि आर गिवन है, प्लस 1/2 इंटू ओ ए सी, ओ ए सी, तो ए सी में ओ सी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 8 दिया हुआ है, तो लिखेंगे एक्स प्लस 8 इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर प्लस 1/2 इंटू ओ ए सी, ओ ए बी, ओ ए बी में ए बी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, और इसमें भी हाइट कितना होगा, रेडियस है तो 4 होगा। अब देखिए ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 28 होगा प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, अब ये हो गया 4x प्लस, इसको ऐड कीजिए 40 प्लस 56, इसमें से 4 अगर कॉमन ले ले तो x प्लस 14, और इधर मेरा क्या है x प्लस 14 इंटू 48 एक्स। तो क्या करते हैं, अगर एक साइड रूट हो तो इसे हटाने के लिए दूसरे साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये तो पता है, तो दूसरे साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा x प्लस 14 इंटू 48 एक्स इक्वल्स एक्स 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा,
उसके आगे होगा x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16 इंटू x प्लस 14 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसको काट सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बचा 48x इज इक्वल टू 16 इंटू x प्लस 14, तो 16 3 जा 48, 3x इक्वल्स x प्लस 14, तो 3x माइनस x इक्वल्स 14, 2x इक्वल्स 14, x इक्वल्स 7, x का वैल्यू हमें निकल गया। अब हम निकालना है AB का लेंथ, तो AB के लिए अब क्या करेंगे, AB इक्वल्स AF प्लस BF, क्या था x प्लस 6 सेंटीमीटर, x कितना है 7, 7 प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल्स 13 सेंटीमीटर, ए भी निकल गया। और हमें क्या निकालना है, एसी, एसी इक्वल्स क्या होगा, एई प्लस सीई, एई प्लस सीई x प्लस 8 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 7, 7 प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल 15 सेंटीमीटर निकल गया। और BC मेरा क्या था, 14 सेंटीमीटर। यही आज का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो और दूसरे भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसे में इसका अगला क्वेश्चन लेके जरूर आऊँगा कल। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।